मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आपके सपनों में जान है, हौसला भी है, फिर भी उड़ान नहीं भर पा रहे, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। पूरे देश में अपनी प्रतिभा का डंका बजाने से आप बस एक क्लिक दूर हैं। हमारी वेबसाइट www.indiabookofrecords.in पर आएं और सेट अ रिकॉर्ड पर क्लिक करके हमारा फॉर्म भरें। हम देंगे आपके सपनों को उड़ान, और हम केवल आपकी प्रतिभा को ही पंख नहीं देंगे, बल्कि आपको अपनी मासिक पत्रिका में भी जगह देंगे। स्पाइरल स्विरल कला तकनीक का उपयोग करते हुए ब्रूसली का सबसे बड़ा चित्र बनाने का रिकॉर्ड निर्भाई सिंह ने बनाया, जिनका जन्म 20 अप्रैल 1977 को संगरूर पंजाब में हुआ था। उन्होंने 5 अलग अलग रंगीन बॉल पॉइंट पेन के साथ स्पाइरल स्विरल कला तकनीक का उपयोग करते हुए चित्र बनाया, जो माप में 33 इंच × 24 इंच वाला था, और चित्र को 10 दिनों में बनाया गया था। रिकॉर्ड की पुष्टि 24 जून 2022 को की गई थी। भगवद गीता अध्याय 12 के सभी श्लोकों को सबसे तेजी से रिसाइट करने का रिकॉर्ड अपेक्षा ने बनाया, जिनका जन्म 4 अगस्त 2008 को बठिंडा पंजाब में हुआ था। उन्होंने 1 मिनट 46 सेकंड में भगवद गीता अध्याय 12 के सभी 20 श्लोकों को रिसाइट किया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 13 साल 10 महीने और 21 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 22 जून 2022 को की गई थी। एक मिनट में सबसे अधिक हुला हुप स्पिन करने का रिकॉर्ड आयरा थेरेस दीपक ने बनाया, जिनका जन्म 27 अक्टूबर 2017 को केरल के पठानमथिट्टा में हुआ था। उन्होंने 1 मिनट में 188 हुला हुप स्पिन किए। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 4 साल 7 महीने और 19 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 15 जून 2022 को की गई थी। एक बच्चे द्वारा 5 मिनट में 1 अंक के विभाजन योग द्वारा 2 अंकों की अधिकतम संख्या को हल करने का रिकॉर्ड अक्षत कृष्ण वी ने बनाया, जिनका जन्म 10 अप्रैल 2018 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने 5 मिनट में 69 योगों में से 2 अंक 1 अंक में 68 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 4 साल 2 महीने और 7 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 17 जून 2022 को की गई थी। एक बच्चे द्वारा 1 मिनट में सबसे अधिक बार गायत्री मंत्र का जाप करने का रिकॉर्ड आरोही खंडेलवाल ने बनाया, जिनका जन्म 9 दिसंबर 2014 को झारखंड के गुमला में हुआ था। उन्होंने 1 मिनट में 27 बार गायत्री मंत्र का जाप किया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 7 साल 6 महीने और 19 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 28 जून 2022 को की गई थी। एक किशोर द्वारा अभिनव महिला सुरक्षा जूता उपकरण बनाने का रिकॉर्ड सैयद मुशरफ हुसैन ने बनाया, जिनका जन्म 1 अप्रैल 1997 को पश्चिम बंगाल के बर्धमान में हुआ था। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक अभिनव सुरक्षा जूता उपकरण तैयार किया, जिसमें SMS भेजने, GPS ट्रैकर, GSM मॉड्यूल, बिजली के झटके, लटकन और उच्च आवृत्ति अलार्म सहित 7 विशेषताएं शामिल थे। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 25 साल 2 महीने और 19 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 20 जून 2022 को की गई थी। रतन टाटा का सबसे बड़ा हस्त निर्मित बुना चित्र बनाने का रिकॉर्ड हितेश कुमार वाघीला ने बनाया, जिनका जन्म 12 जनवरी 1990 को गुजरात के गांधीनगर में हुआ था। उन्होंने रतन टाटा का चित्र बनाया, जिसमें धागे को बांधने, पॉलिएस्टर यार्न के बंडलों को बांधने और मरने की प्रक्रिया शामिल थी, और अंत में यार्न को एक कपड़े के चित्र में बुनाई की, जो चौड़ाई में 118 सेंटीमीटर और ऊंचाई में 112 सेंटीमीटर माप वाला था। रिकॉर्ड की पुष्टि 28 जून 2022 को की गई थी।
एक व्यक्ति द्वारा अधिकतम लघु वर्ली आर्ट पेंटिंग बनाने का रिकॉर्ड अंकिता भरत भाई पटेल ने बनाया, जिनका जन्म 17 मई 1996 को गुजरात के महेसाणा में हुआ था। उन्होंने 24 लघु वर्ली पेंटिंग बनाई जो 24 शीट्स पर आदिवासी लोगों के जीवन को दर्शाती हैं, जो माप में 5.5 सेंटीमीटर × 5.5 सेंटीमीटर थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 28 जून 2022 को की गई थी। एक बच्चे द्वारा 5 मिनट में अधिकतम 2×2 रूबिक क्यूब हल करने का रिकॉर्ड भव्य बंसल ने बनाया, जिनका जन्म 29 दिसंबर 2017 को मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने 5 मिनट में 12 2×2 रूबिक क्यूब हल किए। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 4 साल 5 महीने और 26 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 25 जून 2022 को की गई थी। सबसे तेज एशियाई देशों के नाम उनकी राजधानियों के साथ रीसाइट करने का रिकॉर्ड यश बुधवार ने बनाया, जिनका जन्म 20 सितंबर 2007 को हरियाणा के रोहतक में हुआ था। उन्होंने 28 सेकंड और 96 मिली सेकंड में सभी 48 एशियाई देशों के नाम उनकी संबंधित राजधानियों के साथ रीसाइट किए। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 14 साल 9 महीने और 9 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 29 जून 2022 को की गई थी। एक मिनट में अधिकतम टेबल टेनिस बॉल टैपिंग करने का रिकॉर्ड संदीप ने बनाया, जिनका जन्म 10 जुलाई 2010 को तमिलनाडु के वेल्लोर में हुआ था। उन्होंने एक मिनट में 185 बार टेबल टेनिस के बल्ले से लगातार गेंद को टैप किया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 11 साल 11 महीने और 15 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 24 जून 2022 को की गई थी। माउंट यूटी कांगड़ी को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के होने का रिकॉर्ड पुलकिता हस्वी मुरीकी ने बनाया, जिनका जन्म 27 जनवरी 2008 को तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में हुआ था। उन्होंने 9 जून से 17 जून 2022 के बीच 6053 मीटर ऊंचे पहाड़ पर चढ़ाई की। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 14 साल 4 महीने और 21 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 20 जून 2022 को की गई थी। एक किशोर द्वारा गोमुखासन योग मुद्रा में सबसे लंबे समय तक स्टूल पर रहने का रिकॉर्ड आराधना विजय कुमार ने बनाया, जिनका जन्म 9 अप्रैल 2008 को तमिलनाडु के वेल्लोर में हुआ था। उन्होंने खुद को गोमुखासन योग मुद्रा काउ फेस पोज में 41 मिनट और 9 सेकंड के लिए स्टूल पर रखा। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 14 साल 2 महीने और 18 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 27 जून 2022 को की गई थी। सिंगल A3 शीट पर ध्वज के रंगों में देशों के उल्लिखित मानचित्रों की अधिकतम संख्या को चित्रित करने का रिकॉर्ड रेशमा आर ने बनाया, जिनका जन्म 22 नवंबर 2005 को केरल के एर्नाकुलम में हुआ था। उन्होंने 40 मिनट और 17 सेकंड में एक ही A3 शीट पर स्केच पेन का उपयोग करके 153 देशों के अलग अलग रूपरेखा वाले नक्शे बनाए और इन कलाकृतियों से संबंधित देशों के झंडे के रंगों में चित्रित किया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 16 साल 6 महीने और 22 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 13 जून 2022 को की गई थी। सबसे तेजी से एक साथ दो गतिविधियों को करने का रिकॉर्ड लयाश्री युवराजा ने बनाया, जिनका जन्म 9 मई 2016 को तमिलनाडु के इरोड में हुआ था। उन्होंने 15 मिनट 39 सेकंड और 9 मिली सेकंड में 1610 हुला हूप स्पिन करते हुए 8 बार एक 3×3 रूबिक क्यूब को हल किया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 6 साल 1 महीने और 17 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 23 जून 2022 को की गई थी। तीस सेकंड में सबसे अधिक कथक नृत्य स्पिन करने का रिकॉर्ड प्रीतम दास ने बनाया, जिनका जन्म 2 जनवरी 1998 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने 30 सेकंड में 73 कथक नृत्य स्पिन किए। रिकॉर्ड की पुष्टि 18 जून 2022 को की गई थी। सबसे लंबी अवधि के लिए सीको दाची पद धारण करने का रिकॉर्ड श्रीहरि मनीष राजन ने बनाया, जिनका जन्म 6 मार्च 2010 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी में हुआ था। उन्होंने खुद को 14 मिनट और 27 सेकंड के लिए सीको दाची स्थिति कराटे स्टैंड में रखा।
रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 12 साल 3 महीने और 17 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 23 जून 2022 को की गई थी। एक व्यक्ति द्वारा रंगीन कागज का उपयोग करके अधिकतम संख्या में उपहार बक्से बनाने का रिकॉर्ड अंजना बी ने बनाया, जिनका जन्म 27 अगस्त 2000 को अलापुझा केरल में हुआ था। उन्होंने रंगीन कागज का उपयोग करके विभिन्न आकृतियों और आकारों में 101 उपहार बॉक्स बनाए, जो 19 सेंटीमीटर गुना 15 सेंटीमीटर, बक्से की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर माप वाले थे। रिकॉर्ड की पुष्टि 27 जून 2022 को की गई थी। सबसे तेजी से एक पहेली को हल करने का रिकॉर्ड वी मृणाली ने बनाया, जिनका जन्म 13 अगस्त 2018 को तमिलनाडु के कांचीपुरम में हुआ था। उन्होंने 24 मिनट और 41 सेकंड में 252 टुकड़ों के पहेली को हल किया, जो 46 सेंटीमीटर गुना 34.5 सेंटीमीटर माप वाली थी। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 3 साल 10 महीने और 17 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 30 जून 2022 को की गई थी। एक किशोर द्वारा यश और श्रीनिधि शेट्टी का सबसे बड़ा स्टेंसिल चित्र बनाने का रिकॉर्ड अभिनव कृष्ण एल ने बनाया, जिनका जन्म 9 जनवरी 2008 को केरल के कोझीकोड में हुआ था। उन्होंने कागज की सफेद शीट पर फिल्म केजीएफ के प्रसिद्ध अभिनेता यश और श्रीनिधि शेट्टी का एक स्टेंसिल चित्र बनाया, जो 168 सेंटीमीटर गुना 168 सेंटीमीटर माप वाला था। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 14 साल 5 महीने और 16 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 25 जून 2022 को की गई थी। एक सूती कपड़े पर अधिकतम संख्या में महिला स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र बनाने का रिकॉर्ड पोरिनीता सैकिया ने बनाया, जिनका जन्म 21 जनवरी 2003 को असम के जोरहाट में हुआ था। उन्होंने 112 महिला स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र, जो माप में 139 सेंटीमीटर गुना 60 सेंटीमीटर थे, उन्हें एक सूती गमछे पर काले एक्रेलिक रंगों और ब्रश का उपयोग करके बनाया। प्रत्येक चित्र 5 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर माप वाला था। रिकॉर्ड की पुष्टि 30 जून 2022 को की गई थी। सबसे छोटा ग्रीटिंग कार्ड बनाने का रिकॉर्ड जयजीत दास ने बनाया, जिनका जन्म 26 मई 2008 को गोमती त्रिपुरा में हुआ था। उन्होंने एक्रेलिक रंगों का उपयोग करके सबसे छोटा ग्रीटिंग कार्ड बनाया, जो 0.5 सेंटीमीटर गुना 0.5 सेंटीमीटर माप वाला था। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 14 साल 1 महीने और 1 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 27 जून 2022 को की गई थी। एक बच्चे द्वारा सबसे अधिक असमिया कविताएं सुनाने का रिकॉर्ड प्रज्ञा सैकिया ने बनाया, जिनका जन्म 23 जुलाई 2015 को कामरूप मेट्रो असम में हुआ था। उन्होंने 4 मिनट और 50 सेकंड में बिस्वा शिल्पी, मोकोरर, मितरली, ओरोनिया तोरा और रोंग सहित 6 असमिया कविताओं का कुशलता से पाठ किया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 6 साल 9 महीने और 25 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 17 मई 2022 को की गई थी। सबसे तेजी से मानचित्रों द्वारा सभी देशों को और उनकी राजधानियों को पहचानने का रिकॉर्ड एस अदिति ने बनाया, जिनका जन्म 11 जनवरी 2014 को चेन्नई के सैदापेट में हुआ था। उन्होंने केवल 2 मिनट 59 सेकंड में 195 देशों को उनकी मानचित्र देखकर उनकी और उनकी राजधानियों की पहचान की। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 8 साल 4 महीने और 2 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 13 मई 2022 को की गई थी। एक टेबल टेनिस गेंद को 30 सेकंड में फ्लिप बल्ले पर अधिकतम बाउंस करने का रिकॉर्ड आदित्य टोडी ने बनाया, जिनका जन्म 28 अगस्त 1998 को असम के तिनसुकिया में हुआ था। उन्होंने लगातार बल्ले को फ्लिप करके हर उछाल पर बल्ले के किनारों को बदलते हुए 30 सेकंड में एक टीटी गेंद के 80 बाउंस किए। रिकॉर्ड की पुष्टि 14 मई 2022 को की गई थी। एक बच्चे द्वारा 15 मिनट में सबसे ज्यादा पहेली हल करने का रिकॉर्ड अब्दुल आकीफ ने बनाया, जिनका जन्म 1 अप्रैल 2019 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने 15 मिनट में 85 जिक्स पहेली 2 से 5 टुकड़ों से मिलकर हल की। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 3 साल 2 महीने और 27 दिन थी।
रिकॉर्ड की पुष्टि 28 जून 2022 को की गई थी। एक बच्चे द्वारा सबसे ज्यादा अंग्रेजी पहेलियों का जवाब देने का रिकॉर्ड तीर्थ ने बनाया, जिनका जन्म 5 सितंबर 2016 को गुजरात के सूरत में हुआ था। उन्होंने 3 मिनट में 41 अंग्रेजी पहेलियों का सही उत्तर दिया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 5 साल 9 महीने और 22 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 27 जून 2022 को की गई थी। सबसे तेजी से 200 क्रिकेट खिलाड़ियों की पहचान उनके देशों के साथ पहचानने का रिकॉर्ड श्रेयस एम ने बनाया, जिनका जन्म 27 मई 2011 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने 3 मिनट और 52 सेकंड में बड़ी स्क्रीन पर देखते हुए 200 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ियों की छवियों को देखकर उनके सही नाम और उनके संबंधित देशों की पहचान की। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 11 साल और 10 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 6 जून 2022 को की गई थी। एक बच्चे द्वारा सबसे तेजी से 100 प्रसिद्ध हस्तियों की पहचान करने का रिकॉर्ड कियान ओगरा ने बनाया, जिनका जन्म 14 मार्च 2018 को कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ था। उन्होंने 3 मिनट 43 सेकंड में नरेंद्र मोदी, पीवी सिंधु, रोजर फेडरर, अमिताभ बच्चन, मार्क जुकरबर्ग, जो बिडेन, एलोन मस्क सहित 100 प्रसिद्ध भारतीय हस्तियों की पहचान की। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 4 साल 2 महीने और 20 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 3 जून 2022 को की गई थी। शेयर बाजार पर सबसे ज्यादा सवालों के जवाब देने का रिकॉर्ड प्रांजल तुषार जागड़े ने बनाया, जिनका जन्म 21 दिसंबर 2016 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने 1 मिनट 46 सेकंड में शेयर बाजार से जुड़े 27 सवालों के सही जवाब दिए। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 5 साल 6 महीने और 1 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 22 जून 2022 को की गई थी। After one year. एक बच्चे द्वारा फ्लैश कार्ड की अधिकतम संख्या की पहचान करने का रिकॉर्ड शरण्य साहा ने बनाया, जिनका जन्म 18 अक्टूबर 2019 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में हुआ था। उन्होंने फलों, सब्जियों, जानवरों, क्रियाओं, रंगों, शरीर के अंगों, झंडे, वर्णमाला के शब्दों और अन्य सहित 1500 फ्लैश कार्ड की पहचान की। रिकॉर्ड की पुष्टि 17 जून 2022 को की गई थी। एक किशोर द्वारा आंखों पर पट्टी बांधकर 30 सेकंड में सबसे अधिक रस्सी कूदने का रिकॉर्ड देवेंद्रन पी ने बनाया, जिनका जन्म 9 अक्टूबर 2002 को तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में हुआ था। वो आंखों पर पट्टी बांधकर 30 सेकंड में 91 बार रस्सी कूदे। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 19 साल 8 महीने और 14 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 23 जून 2022 को की गई थी। सबसे तेजी से सभी देशों के झंडों की पहचान करने का रिकॉर्ड वीएम याजनी ने बनाया, जिनका जन्म 14 जुलाई 2019 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हुआ था। उन्होंने 3 मिनट और 53 सेकंड में 195 संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त देशों के झंडों की पहचान की। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 2 साल 11 महीने और 10 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 24 जून 2022 को की गई थी। एक बच्चे द्वारा मानव शरीर के सबसे अधिक अंगों को रिकॉल करने का रिकॉर्ड ओमकार अविनाश एस ने बनाया, जिनका जन्म 20 जुलाई 2017 को तमिलनाडु के नागपट्टिनम में हुआ था। उन्होंने 2 मिनट और 46 सेकंड में मानव शरीर के 218 अंगों, आंतरिक और बाहरी दोनों को रिकॉल किया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 4 साल 11 महीने और 7 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 27 जून 2022 को की गई थी। एक बच्चे द्वारा 30 सेकंड में अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में रिसाइट करने का रिकॉर्ड अत्रेयी घोष ने बनाया, जिनका जन्म 18 फरवरी 2017 को पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर में हुआ था। उन्होंने 30 सेकंड में अंग्रेजी वर्णमाला को 6 बार उल्टे क्रम में रिसाइट किया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 5 साल 2 महीने और 29 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 17 मई 2022 को की गई थी।
आंखों पर पट्टी बांधकर सबसे तेजी से सभी अमेरिकी राष्ट्रपतियों के नामों को रिकॉल करने का रिकॉर्ड जयाश थोलिया ने बनाया, जिनका जन्म 11 नवंबर 2011 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने जॉर्ज वॉशिंगटन से लेकर जो बाइडन तक सभी 46 अमेरिकी राष्ट्रपतियों के नामों को केवल 31 सेकंड में रिकॉल किया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 10 साल 5 महीने और 28 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 9 मई 2022 को की गई थी। विलियम जेफरसन, क्लिंटन, जॉर्ज वॉक बुश, बराक हुसैन ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर। एक बच्चे द्वारा बैडमिंटन रैली शॉट्स की अधिकतम संख्या का प्रदर्शन करने का रिकॉर्ड जीवत वाई होलासोगी ने बनाया, जिनका जन्म 13 सितंबर 2016 को भद्रावती, कर्नाटक में हुआ था। उन्होंने 2 मिनट और 40 सेकंड में 61 बैडमिंटन रैली शॉट्स का प्रदर्शन किया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 5 साल 7 महीने और 24 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 5 मई 2022 को की गई थी। एक किशोर द्वारा 30 सेकंड में अधिकतम रस्सी कूदने का रिकॉर्ड देवशंकर चालक ने बनाया, जिनका जन्म 18 दिसंबर 2004 को औरंगाबाद, महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने 30 सेकंड में 94 रस्सी कूद का प्रदर्शन किया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 17 साल 4 महीने और 15 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 2 मई 2022 को की गई थी। घुटने टेकने की स्थिति में होलाहुप्स करते हुए राजधानियों के साथ सभी भारतीय राज्यों को रीसेट करने का रिकॉर्ड हर्षवेदा पीएस ने बनाया, जिनका जन्म 25 अप्रैल 2015 को तिरुवल्लूर, तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने 45 सेकंड में घुटने टेकने की स्थिति में 83 होलाहुप स्पिन का प्रदर्शन करते हुए सभी 28 भारतीय राज्यों को अपनी अपनी राजधानियों के साथ रीसेट किया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 7 साल 2 महीने और 5 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 30 जून 2022 को की गई थी। सबसे तेजी से देशों, राजधानियों, मुद्राओं और महाद्वीपों को उनके झंडों से रिकॉल करने का रिकॉर्ड प्रणव कुमार एस ने बनाया, जिनका जन्म 31 जुलाई 2014 को थुतुकुडी, तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने 5 मिनट 7 सेकंड और 8 मिली सेकंड में 195 संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त देशों के झंडों की पहचान की। उनके देशों, राजधानियों, मुद्राओं और महाद्वीपों को रिकॉल किया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 7 साल 10 महीने और 13 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 13 जून 2022 को की गई थी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आपके सपनों में जान है, हौसला भी है, फिर भी उड़ान नहीं भर पा रहे, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। पूरे देश में अपनी प्रतिभा का डंका बजाने से आप बस एक क्लिक दूर हैं। हमारी वेबसाइट www.indiabookofrecords.in पर आएं और सेट अ रिकॉर्ड पर क्लिक करके हमारा फॉर्म भरें। हम देंगे आपके सपनों को उड़ान, और हम केवल आपकी प्रतिभा को ही पंख नहीं देंगे, बल्कि आपको अपनी मासिक पत्रिका में भी जगह देंगे।